यार कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब एकदम बढ़िया हो गए। तो यार आज की मज़ा आएगा आज की वीडियो में, क्योंकि आज जाएंगे हम शूट कर रहे हैं तो कुछ नया मिलेगा। मौसम तो आज वैसे ही है, सेम डिटो, 3 दिन से ऐसे गंदा मौसम चल रहा है, लेकिन आज जाएंगे बाहर किसी भी हालत में, क्योंकि उसको मैं बोल के आया हूँ कि शॉप की शूट करनी है, तो जाएंगे वहाँ पर। उसकी वीडियो कल शाम को आएगी, ठीक है। जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी की, ये आएगी कल सुबह, और फूड व्लॉगिंग की उसी दिन कल शाम को आ जाएगी। बोलती क्यों नहीं जब सुसवाते तेरे को बता, क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती जब सुसवाते तेरे को। हाँ तेरे, मुझे काफी देर से वीडियो नहीं बनानी हुई, क्योंकि जैसे मैं अभी ब्रश करके निकला था तो सिर की रोने की बात होना स्टार्ट हो गई थी, तो मैं आगे गया तो इसको अभी पिटाई पड़ रही थी इसकी क्योंकि यार ये अभी इतनी बड़ी हो गई है तब भी बीच में बाथरूम कर देती है, बताती नहीं बाथरूम करने से पहले, तो इसलिए आज इसको काफी ज्यादा मार पड़ रही थी, तो इसके साथ से मैं बिजी था। चल क्या कर रही है इसको, वीडियो बनानी है इधर। अब इसको स्कार्फ बांधा था, ठंड लगती है बाथरूम कर देती है, इसलिए स्कार्फ बांधा था, स्कार्फ की इसके हाथ देखना इधर। खोलेगी खुद, मैं बोल रहा था ना मैं खोलता हूँ, खोल अब खोल 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 खोलेगी खोल स्कार्फ खुद। हाँ तो मैं खोल रहा था ना, हाँ तो मैं बोल रहा था ना आप मेरे पास में खोलता हूँ। भाग क्यों रही थी, क्यों भाग रही थी। अच्छा। हाँ तो यार फाइनली इसका स्कार्फ खोल दिया है, अभी ये मेरे को बांधने के चक्कर में है। क्या कर रही तू, मैं नहीं बांधूंगा ना सिरत ना। हाँ यार आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, जो 18 जनवरी की थी, क्योंकि यार सिर वो मार पड़ रही थी बड़ी ज़्यादा। ये देखो यार, ये कम से कम कोई 15-16 पचामी है जो उसने पिछले 2 दिनों में मतलब कर दी, तो बड़ा ज़्यादा बाथरूम कर रही है, वो बताती भी नहीं इतनी बड़ी होने के बावजूद उसको मार पड़ना उसे अनिवार्य थी। अभी इसे फिर पानी में डालते हैं, तो उसके बाद देखता हूँ कहाँ पर जाना आज। सर मुझे ना मतलब कि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा सोच सोच के भी, कि यार वीडियो मेरी होती है 10 मिनट की या 8 मिनट के तो ऊपर की जाती है ना डेली व्लॉग में भी, तो यार 8-9 मिनट की जो वीडियो आती है उसमें मतलब कि तुम 1 मिनट में या 2 मिनट में कमेंट लाइक करके कैसे बता देते हो कि वीडियो कैसी थी या कुछ, मेरे को मतलब कि ये टैलेंट नहीं समझ आ रहा, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो तो उसे 2-3 मिनट में कैसे देख के तुम मतलब कि सारा कमेंट वगैरह कर देते। यार पूरी वीडियो देखा करो यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि वॉच टाइम चाहिए यार, वॉच टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसलिए यार यहाँ पे सिर्फ अपना ही ब्लॉग देखने लगी हुई है। देखो कैसे इंटरेस्ट लेके देखती है। तो जब एंड में हम घूमने गए थे कल बाइक पे, बस वो अब सीन आ गया हुआ, तो मेरे पीछे पड़ गई बाइक पे, चलो बाइक पे चलो कूद चलो कूद चलो कूद चलो। हाँ तो यार अभी सीरत काफी ज्यादा तंग कर रही थी, तो हम अभी बाहर आ गए, तो यहाँ पे भैया भी लग गए गोलगप्पे वाले, अभी वो खाएंगे हम जी भर के। खाएगा शीतू, खाएगा गोलगप्पे, गोलगप्पे नहीं खाएगा, मैं तो खाऊंगा आ जा। तो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी, रोना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए फिर से बाहर लेके आ गया मैं। हाँ तो यार अभी मैं अभी सिरत को बाहर से घुमा के लेके आया हूँ, अभी ये फिर से मतलब पीछे पड़ गई थी कि वापस बाहर चलो, इसलिए फिर छत पे लेके आ गया उसको घुमाने के लिए। ये मेरे ताई के 2 लोंडे भी यहाँ पे घूम रहे हैं, अमन ब्रो, इसका अमन नाम है, बहुत कम बंदों को पता है। मुन्ना इधर क्या हो गई। तो यार अभी मैं काफ़ी देर के बाद अपने छत पे आया था, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, तो ये मैंने देखा ही नहीं, तो बिल्कुल मतलब कि अलग से टैली लगाई थी, जब से टैली लगाई थी मैंने तो उसके बाद आया नहीं था मैं, तो आए काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, सिर्फ भी मतलब पहली बार ही देखी इसने टैली यहाँ पे छत पर, काफ़ी दिनों के बाद मतलब छत पर आया हूँ। यार सीरत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही है। सीरत तेरे को छोटा सा प्लेग्राउंड मिल गया खेलने के लिए। हाँ तो यार अभी मैं आ चुका हूँ छत से नीचे, तो फिर अभी होते हैं तैयार और निकलते हैं फिर शूट करने। दीदी क्या कर रहे हो जी, क्या कर रहे हो ये, वे क्या, हाय हाय तेरी जुल्फें, सिर तेरी जुल्फें, खराब मत करना इसको।
फिर अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, तो सीरत को आवाज़ ना आ जाए बाइक की, इसलिए मुझे बिल्कुल मतलब कि चुपचाप निकलना पड़ता है। तो अभी मैं बाइक लेके आ गया हूँ बाहर गली में, तो अभी बस निकलने वाले हम, तो वहीं पे पहुँच के जहाँ पे आज शूट है, तो वहीं पे पहुँच के अब शूट स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यार फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे जिस शॉप पे शूट करना था। तो अभी बारिश भी लग चुकी है, मौसम काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तुम देख सकते हो अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, ये रोडें भी अभी गीली हो चुकी हैं, तो बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैं यहाँ पे शूट करने आया हूँ, तुम लोगों को बोल रहा था कि सीक्रेट जगह, तो मैं तुम्हें बताता हूँ आज मैं शूट करने आया हूँ मन्नू मोमो हट पे। तो तुम देख सकते हो आज इनकी शॉप पे हमने शूट करना है। तो अभी बारिश में पहुँच चुका हूँ, 4 बजे पहुँचाऊँ, तो अभी चलते हैं इनकी शॉप पे। और भाई क्या हाल, बढ़िया। मनु भाई कहाँ पे, मनु भाई गए होंगे, कितनी देर में आएंगे, घर पे गए हुए हैं? अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी पहुँचे हुए यहाँ पे, तो 4 बज चुके हैं, 4:15 हो चुके हैं शायद। तो मनु भी अभी अपने घर पे गए हुए हैं, घर उनका बिल्कुल पास ही है, अभी 5-10 मिनट में वो आ जाते हैं, उसके बाद शूट करते हैं फिर से। तो यार बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है, मैं जैसे जस्ट पहुँचा तो उसके बाद बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रही है, देख सकते हो तुम। बारिश बार काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग गई है, सही टाइम पे पहुँच गया एक्चुअली। सर फाइनली मनु भैया पहुँच चुके हैं, अभी सामान लेने के वजह से अपने घर का। और उन्होंने क्या बताया, सब बढ़िया। तो ये इन्हीं की शॉप है, तो आज इन्हीं की शॉप का शूट होगा, तो अभी मैं स्टैंड वगैरह मैंने लगा ली है, तो अभी बस शूट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इस वीडियो का शूट में तुम्हें शाम को कल आ जाएगा तुम्हें, तो उससे पहले ये ब्लॉग की शूट है, तो इसको भी यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो बाकी फिर घर में जाते टाइम में मिलता हूँ तुम्हें, तो अभी इस शॉप का शूट स्टार्ट होने वाला है। हाँ यार फाइनली आज का ब्लॉग कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, तो थैंक्स टू मनु भाई। तो यार ये वीडियो स्पॉन्सर की थी मनु भाई ने, बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई है, अभी निकलते हैं, अभी बैग गिलाना होता है, अगर ज़्यादा बारिश लगी तो फिर बैग की प्रॉब्लम हो जाएगी, सामान काफ़ी पड़ा हुआ बैग में, तो निकलते हैं फिर घर में पहुंच के बात करते हैं। हाँ तो यार फाइनली मनु मोमो हॉट शॉप का शूट ख़त्म हो गया, तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं, अभी बारिश लगी हुई है छोटी छोटी, अभी मनीष का भी फ़ोन आया था, अभी मनीष को फ़ोन करके बुलाते हैं, उससे मिलते हैं, फिर चलते हैं घूमने कहीं पर देखते हैं। तो यार अभी मैं फिर घर जाने से पहले उस शॉप में आया हूँ, देखो मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ यार, एक बार खा के उसे टेस्ट करके देखो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मोमो के ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की आगे की चीज़ है, और काफ़ी अच्छी भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो एक बार इसे टेस्ट करके देखो, तुम्हें टेस्ट का पता चलेगा इसके। देर अभी मैं घर पे पहुँचा हूँ, बैग नहीं उतारा मैंने, अभी सीधे तो उठी हुई है, मैंने सोचा था सोई होगी, लेकिन ये उठी हुई है, तो अभी बैग उतारने वाला हूँ, मैं रखने वाला हूँ। तो जो मैंने लाल पकौड़े की बात बोली यार, एक बार जरूर जाकर टेस्ट करना, क्योंकि ये सिर्फ को नहीं पसंद, मम्मी को पसंद है, मेरे को पसंद है, पापा को पसंद है, सबको पसंद है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टेस्ट हो, थोड़ा सा अलग टाइप का टेस्ट है मोमोज में, कि खा खा के मतलब कि खट्टा मीठा सा प्यारा सा क्रंची सा बिल्कुल मज़ेदार है, तो एक बार जरूर ट्राई करना है इसको, मज़ा आएगा तुम्हें खाने में इसको। तो अभी मनीष आ रहा है, उसके साथ चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पर जाएंगे हम। हाँ जी, और आ चुके हैं हम पांडे भाई के पास, और पांडे जी कैसे हो, लैपटॉप वाले भैया ये हमारे, सीरत पीछे बैठी हुई है, सीरत मज़ा आ रहा है ना या? हाँ तो यार फाइनली हम घर आ चुके हैं, अभी मनीष चल गया घर पे, सीरत को भी लेके आ गया मैं, और पापा भी आ चुके हैं घर पे वापस 2 दिन के बाद, तो सीरत काफ़ी ज़्यादा खुश होने देख के। तो कल के दिन आ रही हैं 2 वीडियोस, एक सुबह ये व्लॉग आएगा सुबह 12 बजे से पहले पहले, अगर सीरत ठीक रही तो उसने तक नहीं किया तो 12 बजे से पहले पहले आ जाएगा, और एक आएगा शाम को फूड व्लॉगिंग का 6 बजे के बाद। तो तैयार रहियो, ढेर सारा प्यार दिखाइयो, वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, जो जो आइटम अच्छी लगेंगी, जो जो व्लॉग में चीज़ अच्छी लगती है वो मेंशन करना कमेंट में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।